रावण की जन्मस्थली बिसरख में प्राचीन शिव मंदिर का इतिहास मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष और बरेली के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव पहुंचकर उसका इतिहास जानने की कोशिश वहां के पुजारी और मंदिर के भक्तों से बात की। यहां के पुजारी हैं। अच्छा अच्छा, बताइए यहां के बारे में कुछ, इतिहास के बारे में, इसके बारे में। इतिहास का ये युगों पुराना स्थान है, महर्षि पुलस्त का आश्रम है, जैसे कि बच्चे ने बताया था। अच्छा। पुलस्त द्वारा स्थापित वो शिवलिंग है, उसके बाद उनके पुत्र विश्वसरवान ने पूजा की, उनके पोते रावण ने पूजा की यहाँ, और यहाँ पर कुबेर ने भी पूजा की। अच्छा। लेकिन कुबेर का जो गढ़ था वो देवगढ़ में आता था, लेकिन ये राक्षसी माता के होने के कारण इसका राक्षसी स्वभाव था, तो जो लंका दान में मिली थी विश्वसरवान ने उसे कुबेर को दिया। कुबेर वहाँ का राजा बना, कठोर तपस्या करके उसने पुष्पक विमान प्राप्त किया और महालक्ष्मी का ये अधिपत्य यानी कोषागार बना। लेकिन रावण ने जब यहाँ तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए तो उसमें बल आ गया। बल आने के बाद इसने रावण कुबेर पर आक्रमण करके उसका राज्य छीना, विमान छीना और वहाँ का राजा बन गया। अच्छा, यहाँ पे दशहरा मनाते हैं नहीं मनाते हैं? देखो त्यौहार तो यहाँ सभी मनाया जाता है, लेकिन दशहरा में जो हर्षोल्लास हर जगह मनाया जाता है वो यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ यहाँ की भूमि का प्रभाव नज़र आता है। तो यहाँ लोग पूजा नहीं करते दशहरे की? दशहरे को यहाँ हमारे मंदिर में रावण की पूजा होती है। अच्छा, रामचंद्र जी की पूजा नहीं की जाती यहाँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ सभी की पूजा होती है। अच्छा, हमारे देव को हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की स्थापना होने के लिए आ गई, वहाँ तीन मूर्तियाँ। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा नहीं है, रावण ने भी तो ईश्वर। तो रावण की यहाँ पूजा करते हैं लोग? जी हाँ, राम मैं स्वयं करता हूँ। हाँ, और लोगों की बात अलग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जब गृह प्रवेश गए इन्होंने, ये शंकर भगवान के बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे, तो ये जब गए वहाँ पे इन्होंने पूरा गृह प्रवेश करा दिया शंकर भगवान के, वो लंका का जो श्रीलंका में वो लंका जो था, तो गृह प्रवेश कराने के बाद उन्होंने बोला, इनकी जो दूसरी वाइफ थी तो वो बोल रहे हैं कि आप अपना मांगो, क्या मांगना चाहते हो, अब ब्राह्मण है। तो इन्होंने बोला कि अरे आप तो इतने बड़े शिव भक्त हैं, आप ही जब हमें मिल गए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं फिर भी आपको देना तो पड़ेगा, आपने पूजा कराया। तो फिर जो वाइफ थी इनकी दूसरी, तो उन्होंने बोला कि लंका ही मांग लीजिए, तो फिर लंका मांग लिया। ऐसा ही था ना पंडित जी? तो उन्होंने फिर लंका मांगा, तो फिर वहाँ से शिव जी फिर वापस चले गए कैलाश पे, और लंका जो था रावण जी का हो गया। ठीक है, तो ये तो यही उनके पिताजी हैं, जो उनका बचपन गुजरा वो यही गुजरा, ये बिसरख गांव है हमारा, ये उनका पैतृक गांव। हाँ, ये इसका नाम क्या है, पैतृक गांव का? बिसरख। बिसरख, बिसरख, बिसरख। अच्छा, तो ये रावण का पैतृक गांव है, ये उनके दादा का जो ये मूर्ति दिख रहा है वो शिवलिंग जो है वो उनके दादा का है। अच्छा। वो पूजा करते थे, फिर उनके पिताजी यहीं के थे। अच्छा। तो इसलिए ये गांव जो हमारा है यहाँ पे हम रावण की पूजा करते हैं। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव, राजीव, राजीव नाम है। अच्छा, घंटा हो गया।
यहाँ रावण और रावण के पिताजी पूजा करते थे। ये सबसे पुराना शिवलिंग है, ये शिवलिंग देखिए, ये सबसे पुराना शिवलिंग है जहाँ रावण और रावण के पिताजी विश्व की पूजा करते थे।